नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। श्रावणी मेले पर रेलवे चलाएगा एक जोड़ी और स्पेशल ट्रेन। बिहार में प्रशिक्षु शिक्षकों को नहीं मिलेगी मुहर्रम की छुट्टी। दूध का उत्पादन बढ़ाएगी इस नस्ल की गाय। बड़ी मुसीबत में फंसा विपक्षी दलों का INDIA। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। श्रावणी मेले पर रेलवे चलाएगा एक जोड़ी और स्पेशल ट्रेन। बिहार में श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का शुरुआत किया गया है। वहीं भीड़ को देखते हुए अब रेलवे की ओर से और एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब रेलवे की ओर से गया और जसीडीह के मध्य मेला स्पेशल गाड़ी संख्या 03688 और 03687 का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 03688 गया जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल के परिचालन की शुरुआत 21 जुलाई से होगी, जो कि 29 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि ट्रेन सप्ताह में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और मंगलवार को चलेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 03687 जसीडीह गया श्रावणी मेला स्पेशल की शुरुआत भी 21 जुलाई से हो रही है, जो कि 29 अगस्त तक चलेगी। और यह ट्रेन भी सप्ताह में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और मंगलवार को चलेगी। फिर हुआ राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। B4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त। ट्रेन पर पत्थरबाजी किए जाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए रेल पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही। बता दें कि एक बार फिर से 24 दिनों बाद कुछ बदमाशों के द्वारा बीते रात डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। दरअसल बदमाशों के द्वारा इस ट्रेन पर मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के सराय घोसवर के बीच पत्थरबाजी की गई, जिससे कि ट्रेन का B4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कि यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पत्थरबाजी के कारण और शीशा क्षतिग्रस्त होने के कारण बर्थ संख्या 33, 34, 35 और 36 के यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं जब इस बात की जानकारी यात्रियों के द्वारा ट्रेन अधीक्षक के साथ RPF को दी गई, तो इस बात की जानकारी सोनपुर कंट्रोल को दी गई, जिसके बाद अब ट्रेन हाजीपुर पहुंची तो इंजीनियरिंग विभाग के रेल कर्मियों के द्वारा ट्रेन की जांच की गई और फिर ट्रेन छपरा के लिए रवाना कर दिया गया। बिहार में प्रशिक्षु शिक्षकों को नहीं मिलेगी मुहर्रम की छुट्टी। राज्य के प्रखंड संसाधन केंद्रों सहित सभी केंद्रों पर जारी शिक्षकों का प्रशिक्षण 29 जुलाई यानी कि मुहर्रम के दिन भी जारी रहेगा। बता दें कि इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि SCERT द्वारा 18 जुलाई को सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को जारी एक परिपत्र के अनुसार राज्य के विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को 29 जुलाई मुहर्रम के दिन अवकाश नहीं मिलेगा, उस दिन भी प्रशिक्षण जारी रहेगा। इसके संबंध में SCERT के निदेशक द्वारा सभी CTE, DIET, PTEC और BIET के प्राचार्य और बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंधित अधिकारी को परिपत्र भेज दिया गया है। छापेमारी में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग के द्वारा कई कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे जुड़े मामले में कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के कारोबारी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है और साथ ही एक स्कूटी और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस को आते देख कारोबारी भागने में सफल हो गए। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग विशेष सचिव ने किया स्कूलों का निरीक्षण। इन दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के निर्देश पर राज्य के विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा और विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति समेत विद्यालय की व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पटना के मध्य विद्यालय संपतचक, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संपतचक, क्षेत्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च विद्यालय अजीमचक पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इस निरीक्षण में विशेष सचिव के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय को साफ सफाई, मध्याह्न भोजन समेत कई व्यवस्था देखी गई। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया। डेंगू के रोकथाम के लिए अपनाएं ये तरीका। बिहार में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बारिश के मौसम में मच्छरों के काटने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, उन्हीं में से एक डेंगू भी होता है। ऐसे में अगर आप डेंगू से बचना चाहते हैं तो आपको डेंगू के मच्छर को फैलने और खुद को कटाने से बचना होगा। मालूम हो कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए अपने शरीर को ढककर रखें। इसके साथ ही आप मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और खिड़की दरवाजों पर जाली लगवा सकते हैं। बता दें कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, ऐसे में अपने आसपास पानी न जमा
जमा होने दें, कूलर और गमले में पानी न जमा होने दें और टैंक को ढक कर रखें। इसके साथ ही जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी तेल का छिड़काव करें। इन सब के अलावा अगर हम डेंगू के लक्षण की बात करें तो डेंगू होने पर तेज बुखार, बदन, सर में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। कई इलाकों में शहर के करीब पहुंची गंगा। उत्तर भारत में हुई बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर और कटिहार सहित अन्य जगह शामिल है। मालूम हो कि नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत आ गया है। पटना के दिघा व गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मालूम हो कि अब तक दिघा घाट पर जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं गांधी घाट पर 4 सेंटीमीटर बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार की ओर से भी कई तैयारियां की गई है, जिसके तहत अब एक ऐसा ऐप तैयार किया जा रहा जिसके जरिए नदियों के बढ़ते जलस्तर की जानकारी 5 दिन पहले ही मिल जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बूढ़ी गंडक नदी पर बने ब्रिज का हिस्सा उद्घाटन से पहले धंसा। कुछ दिनों पहले ही बिहार में पुल धंसने की खबर सामने आई थी, वहीं अब एक बार फिर से ऐसी ही एक खबर सामने आई है। बता दें कि ताजा मामला खगड़िया का है, जहां NH-31 के खगड़िया स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर बना नवनिर्मित पुल का कुछ हिस्सा आज यानी कि गुरुवार को उद्घाटन से पहले धंस गया, जिससे कि लोगों के बीच काफी अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इस पुल का निर्माण NHAI की ओर से पुल निर्माण कंपनी की ओर से की जा रही है। वहीं इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आवागमन जारी है। बता दें कि यह पुल खगड़िया को बेगूसराय और सूबे की राजधानी पटना से जोड़ता है। वहीं ब्रिज का हिस्सा धंसने की जानकारी मिलने पर नगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में पुल के एक ओर से आवागमन हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश और सुनील जोशी पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारा। बीते दिन देर रात भारतीय क्रिकेट टीम एवं पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी बिहार की राजधानी पटना में स्थित तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना माथा टेका और साथ ही लंगर का प्रसाद भी खाया। बता दें कि वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी के गुरुद्वारा पहुंचने पर प्रबंधन कमेटी के लोगों के द्वारा दोनों खिलाड़ियों को सिरोपा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों के द्वारा गुरु के दरबार में आशीर्वाद ग्रहण किया गया। मालूम हो कि इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने तख्त श्री हरमंदिर के सभी जगहों का भ्रमण भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि वह पहली बार यहां पहुंचे हैं और उन्हें काफी अच्छा लग रहा। हमारे देश यही तो गरिमा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर भारत वर्ष जैसे छत के नीचे एक साथ रहते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाएगी इस नस्ल की गाय। राज्य सरकार की ओर से साहिवाल, गिर व थारपारकर नस्ल की इन गायों की अतिरिक्त डेयरी खोलने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य में डेयरी से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से युवाओं को डेयरी उद्योग में प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है, जिसके तहत 4 गायों तक 75% और 20 गायों तक 40% का अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि नस्ल की गायों की आपूर्ति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से होगी। हालांकि पशु चारा के लिए आवेदकों को 10 कट्ठा जमीन जरूरी होनी चाहिए। मालूम हो कि इस योजना से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही देशी नस्ल की गायों की संख्या में भी वृद्धि होगी। बिहार में पर्यटक गाइड की बढ़ाई गई मानदेय। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा गाइड एसोसिएशन परिश्रमिक की मांग को देखते हुए बिहार के पर्यटक गाइड की मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि प्रतिदिन पर्यटक गाइड को पर्यटन निदेशालय के द्वारा 750 रुपये की दर से पारिश्रमिक भुगतान की जाएगी। मालूम हो कि यह पारिश्रमिक सह प्रोत्साहन राशि दर जुलाई माह में 2023 से लागू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पर्यटक गाइड को मानदेय के रूप में 500 रुपये दिए जाते थे, ऐसे में अब 250 रुपये बढ़ाकर 750 रुपये कर दिए गए हैं। पर्यटक गाइड को 500 रुपए का दर लगभग 10 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था, ऐसे में राशि की आवश्यकता को देखते हुए गाइडों के हित में यह निर्णय लिया गया है। बड़ी मुसीबत में फंसा विपक्षी दलों का INDIA। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों की बैठक में सभी गैर भाजपा पार्टी के शीर्ष नेताओं की सहमति से विपक्षी दलों को INDIA दिया गया, लेकिन अब यह नाम बड़ा मुसीबत में फंस गया है। दरअसल इस नाम को लेकर दिल्ली के बाड़ा खंबा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि INDIA नाम रखना एम्बलम्स एक्ट का उल्लंघन है। बता दें कि इस एक्ट के तहत अपने निजी फायदे के लिए इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए शिकायत में कहा गया है कि INDIA नाम रखने से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बता दें कि दिल्ली के बाड़ा खंबा पुलिस स्टेशन में विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए शिकायत दर्ज की गई है।
सीएम नीतीश पर सुशील मोदी ने कसा तंज। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया है कि विपक्षी बैठक में इंडिया नाम से बने नए मंच का संयोजक बनाने की चर्चा तक नहीं हुई और इतना अपमान हुआ कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना भी भारी लगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 3 बार मीडिया से बातचीत करता हो वह बेंगलुरु और फिर पटना में लौटने के बाद प्रेस से परहेज क्यों किया, यह सब नाराजगी प्रकट कर सौदेबाजी करने का पुराना अंदाज है। ऐसे में अब उन्हें मुंबई अगर संयोजक बनाया भी जाता है तो भी उन्हें यह पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं जिस वजह से बेंगलुरु में मिले दर्द को छिपाने के लिए उन्हें मुस्कुराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई फ्लाइट नहीं छूट रही थी क्योंकि वे चार्टर्ड प्लेन से गए थे, तो फिर उन्हें जल्दी क्या थी। मणिपुर हिंसा पर लालू और ललन ने पीएम मोदी को घेरा। मणिपुर में हो रहे हिंसा और महिलाओं के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार के वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने में लिया गया है। एक तरफ जहां लालू यादव के द्वारा कहा गया कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है, नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर में जो हो रहा वह शर्मनाक है। वहीं दूसरी ओर ललन सिंह के द्वारा कहा गया कि मणिपुर में 56x56 इंच सीने वाली डबल इंजन की सरकार की छत्र छाया में राज्य के बहुसंख्यक शोषित, वंचित और गरीब तबके को पैरों तले रौंदा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार की सारी हदें लांग दी गई है, फिर भी देश के 56 इंच सीने वाले तथा कथित शेर चुप बैठे हैं, आखिर क्यों? मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पता नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मानवता के प्रति संवेदना है भी या नहीं। विदेशों में जाकर अपना जयकारा लगवाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश में महिलाओं के साथ हो रहा घोर अत्याचार क्यों नहीं दिखता है? डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाले इस घटना पर अब तो मौन व्रत तोड़िए साहब। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज शाम 7:30 बजे से पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिडाड के क्वींस पार्क ओवल पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। मालूम हो कि अब तक दोनों टीमों के बीच हुए 99 टेस्ट मैचों में 23 मैच में भारत को जीत मिली तो वहीं 30 मैच में वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की है और बाकी बचे 46 मैच ड्रॉ हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 141 रन से करारी शिकस्त दी थी और इसी के साथ भारतीय टीम 1-0 की बढ़त बना ली। वहीं अगर आज होने वाले टेस्ट मैच को भारत जीतता है तो यह सीरीज 2-0 से भारत के नाम हो जाएगी। ऐसे में आज वेस्टइंडीज चाहेगी कि किसी भी हाल में वह जीत हासिल करे। बीते दिन हमारे पूछा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश सिंहदेव, नुनू गोलू कुमार, कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, मृत्युंजय कुमार, मोटू रंगीला, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, पी के पासवान, रविशंकर, राजकिशोर महतो, श्रीराम यादव, के सिन्हा, विनीत चौहान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें।